हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। क्या कर रहे हो अभी तक, ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेन की वीडियोस मिलती रहेंगी। क्या हो अगर दुनिया का सबसे ताकतवर और महान तलवारबाज अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाए। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की मूवी। मूवी की शुरुआत में हम एक तलवारबाज को देख पाते हैं जिसका नाम यांग होता है। वह कई सारे योद्धाओं से लड़ रहा होता है। यांग दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनना चाहता था। दरअसल यांग के क्लैन की लड़ाई दूसरे क्लैन के लोगों के साथ चल रही होती है और जब तक एक क्लैन के सारे लोग मारे ना जाए तब तक यह जंग नहीं रुकेगी। उसके बाद अंत में यांग दूसरे क्लैन के सबसे महान योद्धा को मार देता है और दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बन जाता है। लेकिन वह उसकी छोटी बेटी को नहीं मार पाता है क्योंकि वह तो केवल 2 साल की बच्ची होती है, जिसके कारण यांग के क्लैन वाले उसके ही खिलाफ हो जाते हैं। उसके बाद यांग उस बच्ची को लेकर दूसरे देश अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। लेकिन जब वह अपने दोस्त के गांव पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसका दोस्त स्माइली तो बहुत साल पहले ही मर चुका है। फिर गांव का एक आदमी जिसका नाम 8 बॉल होता है, वह उसे स्माइली का घर दिखाता है और उसे वहां रहने की इजाजत भी दे देता है। दूसरी तरफ यांग के मास्टर को पता लग जाता है कि यांग यूएसए गया हुआ है। फिर वह अपनी सेना लेकर यांग को मारने के लिए उसके पीछे चल पड़ता है। रात में यांग से मिलने एक लड़की आती है और वह स्माइली की असिस्टेंट थी। फिर वह यांग को कपड़े धोना सिखाती है ताकि वह स्माइली की लॉन्ड्री फिर से चला सके। उसके बाद अगले दिन 8 बॉल यांग को अपना टोमा गांव घुमाता है। उसके बाद एक दिन यांग 8 बॉल के साथ ताश खेल रहा होता है। फिर वह 8 बॉल से पूछता है कि लिन के परिवार के साथ क्या हुआ। इस पर 8 बॉल उसे बताता है कि कई सालों पहले इस गांव पर कुछ डकैतों ने हमला कर दिया था और डकैतों का मालिक लिन के साथ गलत काम करना चाहता था, लेकिन लिन उसके मुंह पर गर्म पानी फेंक कर वहां से भाग जाती है। लेकिन वह डकैत उसे पीछे से गोली मार देता है और उसके पूरे परिवार को भी मार डालता है। लेकिन उस गोलीबारी में लिन बच जाती है और गांव वाले उसे बचा लेते हैं और उसी दिन से लिन उस डकैत से बदला लेना चाहती थी। उसके बाद यांग लिन को निशाना लगाने की ट्रेनिंग देता है और उसके बाद यांग लिन को रात में तलवार चलाना भी सिखाता है। फिर धीरे धीरे लिन भी तलवार चलाना सीख रही होती है। उसके बाद टॉम गांव में क्रिसमस पार्टी चल रही होती है और उसी दिन लुटेरे भी उस गांव पर हमला कर देते हैं और फिर लुटेरे एक जोकर को पट्टी से बांधकर उस पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिससे जोकर की बहुत ही ज्यादा फट रही होती है। फिर डकैत जोकर के सिर के ऊपर शराब से भरी गिलास को रखते हैं और उस पर निशाना लगाने ही वाले होते हैं। तभी उस जगह पर रोनाल्ड नाम का एक शराबी आता है और वह जोकर के सिर पर से वह शराब उठाकर पी लेता है और रोनाल्ड डकैतों के मालिक से भी शराब छीनकर पीने लग जाता है। यह देखकर उस मालिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह रोनाल्ड को घोड़े से बांधकर घसीटने लगता है। उसके बाद लुटेरों का मालिक जोकर के पैर पर गोली मारता है और कहता है कि आज के मनोरंजन के लिए हम लड़कियां लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ गांव वाले लिन को बांध देते हैं ताकि वह कोई बेवकूफी ना कर दे। उसके बाद लुटेरों का मालिक काफी सारी लड़कियों को देखने लगता है। फिर वह उनमें से एक लड़की को पसंद कर लेता है, लेकिन वह शादीशुदा होती है इसलिए डकैतों का मालिक उसके पति को गोली मार देता है। उसके बाद डकैतों का मालिक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, तभी वहां पर लिन डांसर वाले कपड़े पहनकर आ जाती है। दरअसल लिन ने अपने जूतों में चाकू छुपाई होती है जिससे वह रस्सी काट कर वहां से भाग जाती है। उसके बाद वह डकैतों के मालिक का मनोरंजन करने लगती है। फिर जैसे ही लिन उनके मालिक को मारने जाती है वहां पर और लुटेरे आकर उसे पकड़ लेते हैं और लिन को बिस्तर पर लिटा देते हैं। तभी वहां पर यांग आता है और लिन को बचाने के लिए यांग ने अपनी तलवार की सील भी तोड़ दी थी, जिसकी वजह से उसके मास्टर को पता लग जाता है कि यांग कहां पर है। उसके बाद यांग सभी लुटेरे को मार डालता है। फिर जैसे ही वह लुटेरे के मालिक को मारने जाता है तो लिन उसे रोक लेती है और कहती है कि यह मेरा शिकार है। फिर डकैतों का मालिक लिन को पकड़कर खिड़की से बाहर कूद जाता है और उसके बाद वह घोड़े पे बैठकर वहां से भागने लगता है। फिर लिन उसे चाकू चलाकर मारती है और वह चाकू उसकी गर्दन पर लगता है और वह घोड़े से नीचे गिर जाता है। और जब गांव के लोग उसका मुखौटा उठाकर देखते हैं तो वह तो डकैतों का मालिक होता ही नहीं है, वह कोई और ही होता है।
उसके बाद अगले दिन यांग अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो तुम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन गांव वाले यांग को ना जाने के लिए मना लेते हैं। फिर रोनाल्ड गांव वालों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देता है और सारे गाँव वाले लुटेरों से लड़ने के लिए तैयारी करने लगते हैं। उसके बाद लुटेरों का मालिक अपनी एक बहुत बड़ी सेना लेकर गांव पर हमला कर देता है, लेकिन गांव वालों ने रास्ते में बम बिछाए होते हैं जिसके कारण कई सारे लुटेरे मारे जाते हैं। उसके बाद बचे हुए लुटेरे सर्कस वाली जगह पर आते हैं और रोनाल्ड उन्हें झूले पर बैठकर गोली से मारने लगता है। उसके बाद रोनाल्ड झूले पर लगे बम में आग लगाकर वहां से भाग जाता है और बम ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में कई सारे लुटेरे मारे जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लुटेरे गांव वालों का पीछा कर रहे होते हैं, तभी वहां पर यांग का मास्टर अपनी सेना के साथ आ जाता है और वह बच्ची को मारने का हुक्म दे देता है। लेकिन तभी वहां पर यांग आकर बच्ची को बचा लेता है और उसके बाद तलवारबाजों और लुटेरों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद लिन बच्ची को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन उसका पीछा कई सारे तलवारबाज कर रहे होते हैं और वहां पर यांग आकर सभी को मारने लग जाता है। उसके बाद लिन बच्ची को लेकर एक घर में आती है और वहां पर यांग भी आता है। तभी वहां पर कई सारे तलवारबाज आ जाते हैं और यांग उन सभी से लड़ाई करने लग जाता है और इसी बीच लिन बच्ची को एट बॉल को दे देती है। फिर जब वह बाहर जाके देखते हैं तो एट बॉल घायल होता है और उसे गोली लग गई होती है। फिर एट बॉल उन्हें बताता है कि डकैतों का मालिक बच्ची को अपने साथ ले गया है। उसके बाद डकैतों का मालिक बच्ची को लेकर एक कमरे में चला जाता है और बाहर सुरक्षा के लिए कई सारे लुटेरे को खड़ा कर देता है। लेकिन तभी कमरे के बाहर बिजली चली जाती है और यांग उन सभी लुटेरे को एक एक करके मार देता है। फिर यांग कमरे में आता है और लुटेरों का मालिक बच्ची को मारने ही वाला होता है। तभी यांग उसकी बंदूक को काट देता है, लेकिन वह लुटेरे के मालिक को नहीं मारता है क्योंकि वह लिन का शिकार होता है और लिन उसे मारने जाती है। और फिर लिन और लुटेरे के मालिक के बीच बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और अंत में लिन उस डकैत को मार ही देती है और अपने पिता और परिवार का बदला ले लेती है। उसके बाद लिन और यांग बच्ची को लेकर कमरे से बाहर आते हैं और बाहर यांग का मास्टर होता है और वह यांग को आखिरी लड़ाई की चुनौती देता है और उसके बाद मास्टर और छात्र के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और अंत में यांग को बच्ची को बचाने के लिए अपने मास्टर को जान से मारना पड़ता है। और अब यांग को समझ आ गया था कि इस जंग का अब कोई अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। इसलिए वह लिन और बच्ची को छोड़कर वहां से चला जाता है और यांग को पता था कि अगर वह दोनों इसके साथ रहेंगे तो उन दोनों पर हमेशा खतरा बना ही रहेगा। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।